में करवाया, एग्जाम में वही देखने को मिला। अच्छा, कंटेंट बहुत एग्जाम रिलेटेड था, एग्जाम बेस्ड था। अच्छा, सब बहुत अच्छा रहा। तो सर बधाई हो सबसे पहले तो कि आपके बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया। बहुत धन्यवाद मैम आपका। महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखो बिल्कुल पूरे हरियाणा में सबसे आगे है भाई। वाह, ये बात, ये देखो मतलब बच्चों का सिलेक्शन इसलिए होना बनता है कि कॉन्फिडेंस टीचर्स के अंदर। देखो मैम, अलग हमारे पास क्या है, जो भी हमारे टीचर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्टेड है। मैं खुद अगर की बात करूं तो मैं 5 गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग चुका हूं, रिजाइन करके, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से मैं रिजाइन करके जो है यहां पढ़ा रहा हूं। तो मेन चीज क्या है कि जब टीचर खुद एग्जाम देता है तो उसको पता होता है कि बच्चे की कहां कमियां निकल सकती है, उस हिसाब से जो है हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं। अच्छा, मैंने जिक्र सुना है सर आपके अकेडमी के कमांडो बैच का। मैंने सुना है कि भाई आप गारंटी दे रहे हैं कि जिसने एडमिशन ले लिया वो कमांडो बन के ही जाएगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा हमारा जो वेल एक्सपीरियंस है वो हमारी टीचर टीम का है, क्योंकि हमारे पास एक ओल्ड टीम ऐसी है जो लगभग हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक्सपीरियंसड है। हमारा सिलेबस नहीं होने वाला तो इन्होंने एक लेक्चर और आगे बढ़ा बढ़ा के मतलब हमें हर टाइम मतलब फोर्स किया है कि तुम पढ़ो, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है भाई, कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा या फिर अभी थोड़ा सा डाउट है? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, और ये लोग बहुत मोटिवेट करते हैं तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी आती नहीं है। सरकारी नौकरी की भाई, वैसे राई का पहाड़ है, मेरे जैसों के तो बस की बात नहीं है, लेकिन ये हमारी हवलदार नहीं, आप पीछे खड़ी हैं भाई, सरकारी नौकरी लगी है तो खुशी तो बनती है। ये बच्चे हैं कैरियर बूस्टर एकेडमी के, जिन्होंने गजब की सिलेक्शन दी है। 50 बच्चे जो है, 50 लड़के हैं एक साथ लगी है, हाल ही में जो है रिजल्ट आया। तो चलिए इन बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, एक मिनट भाई, एक मिनट, जो बोलेगा उसको आपकी मम्मी की कसम लगेगी, चुपचाप बोल खड़े रहो। मेरे अलावा सर कसम देने वाले पे लागू नहीं होती। हाँ जी, क्या नाम है? मंजू। मंजू, मुझे ये बताओ कि यहाँ कैरियर बूस्टर एकेडमी की अगर बात करें, कब से पढ़ रहे हो? जनवरी से मेरा बैच स्टार्ट था, अप्रैल लास्ट तक मेरा बैच चला था। अच्छा, तो भाई कैसा रहा है एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, पूरा स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव था, जो एकेडमी में करवाया एग्जाम में वही देखने को मिला। अच्छा, कंटेंट बहुत एग्जाम रिलेटेड था, एग्जाम बेस्ड था। अच्छा, सब बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मुझे बताइए कि भाई कैरियर बूस्टर के स्टूडेंट हो, खुशी कैसी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, ऑब्वियसली बात है, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो खुशी तो हमेशा होती है। मतलब ये मेरा सेकेंड टाइम है तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी है। और भी ज़्यादा, फिर तो घर पे भी गजब का माहौल होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है, सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों ने तो अच्छा ही अच्छाई बताई है कैरियर बूस्टर एकेडमी की, कुछ बुराई भी होगी ना, कुछ ना कुछ तो बुरा भी? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, टीचर्स की बात करें थोड़ा बहुत, तो कोई तो आनाकानी करता होगा पढ़ाने में? नहीं, मतलब बेनीवाल सर ने जो करवाया है उनमें भी बहुत सब कुछ था। अच्छा। और मैथ वाले सर, मनोज बाजार सर, सबका बहुत अच्छा था, कंटेंट भी बहुत अच्छा था, सबका अच्छा था। चलिए भाई, वैसे ये टीचर्स जो है मेरे साथ फिलहाल यहाँ मौके पर मौजूद हैं, आगे आ जाइए भाई, आप ही के स्टूडेंट्स ने जो है ये इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया। सर मुझे ये बताइए कि बच्चे तो कुछ खामियाँ बता नहीं रहे हैं, एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा है और ऊपर से फिर हिस्ट्री और भी अच्छी है। वैसे बता दूँ कि सर जो है या इनकी जो टीम है अब तक के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले टीचर्स की टीम है। तो सर बधाई हो सबसे पहले तो कि आपके बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया। बहुत धन्यवाद मैम आपका। महसूस कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। देखो सीधी सी बात है, आप कोई भी पेड़ लगाते हैं ना जी, 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 तो मजा तभी आता है, आपको खुशी उसी दिन होती है जिस दिन जो पेड़ जो है वो फल दे। तो ये बच्चे हैं, ये पेड़ रूपी थे, जैसे ये हमारे पास आए बिल्कुल रफ आए थे, ठीक है,
तो इनको हमने तैयार किया अच्छे से, ठीक है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाई, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमारी पूरी की पूरी टीम ने पढ़ाया और वो एज इट इज इनके एग्जाम में आया और 50 लड़कियों ने जो है सिलेक्शन पाया, ठीक है। चलिए भाई, बहुत गजब की बात है। बिल्कुल सर, आगे आओ, पीछे कहाँ झुके खड़े हो सर, सारा साल मेहनत करते हैं और अब पीछे? नहीं पीछे क्यों मैम, अब तो सबसे आगे हम हिसार में, सबसे आगे बिल्कुल पूरे हरियाणा में सबसे आगे हैं भाई। वाह, ये बात, ये देखो मतलब बच्चों का सिलेक्शन इसलिए होना बनता है कि कॉन्फिडेंस टीचर्स के अंदर। मुझे ये बताइए, ये तो बात हुई ये कांस्टेबल के एग्जाम का जिसका रिजल्ट आपका आ चुका है, हिस्ट्री की अगर बात करें तो कैसी है, क्योंकि मैंने सुना है बड़ा गोल्डन सा इतिहास रहा है आप लोगों का। मैम पिछले 5-6 सालों से हम लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं और जहाँ पर हमने 2000 प्लस सिलेक्शन दिए, वो सिलेक्शन आप लोग हमारे यहाँ पर देख भी सकते हो सामने। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, तो उसी का नतीजा है, बच्चों में जो एक नाम क्रिएट हुआ है और उसी की मेहनत से बच्चे आज हमारे पास आए हुए हैं। बिल्कुल, एक साल पहले कदम उठाया गया था कैरियर बूस्टर का, एक साल पहले शुरुआत की गई और आज आप इन लोगों के परिवार को यहाँ खड़े हुए देख भी सकते हैं, खुशियाँ मनाते हुए भी यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। तो मुझे ये बताइए सर, ये तो बात हुई कॉन्स्टेबल के एग्जाम की, अगर आने वाले फ्यूचर की बात करें तो फिलहाल बैचेस कौन-कौन से हैं जिम? फिलहाल हमारे पास जो पीजीटी संस्कृत जो स्क्रीन टेस्ट होना उसके लिए है, कमांडो के लिए, एएलएम के लिए है और जो कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है उसके लिए बैच चल रहे हैं और आगे जो सीटी होगा या फिर ग्राम सेवक पटवारी का उनके लिए जो बैच है वो रनिंग में, अभी रनिंग में है जी। बिल्कुल, इसके अलावा एचएसएससी और एयरफोर्स के बैचेस भी चल रहे हैं। अच्छा जी, तो सर ये तो हुए नॉर्मल बैचेस, भाई अगर एकेडमी में है, देखो मेरा सवाल थोड़ा सा तीखा है, आप लोगों के पास अलग क्या है और बच्चे क्यों आए? देखो मैम, अलग हमारे पास क्या है, जो भी हमारे टीचर्स हैं टीम मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्टेड है। मैं खुद अगर की बात करूँ तो मैं 5 गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग चुका हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, आजकल के जमाने में लोगों को एक नहीं मिलती, आपके पास? मैं मतलब 5 गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्ट हो चुका हूँ। अच्छा। अभी लास्ट रिसेंट रिजाइन करके, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से मैं रिजाइन करके जो है यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मेन चीज क्या है कि जब टीचर खुद एग्जाम देता है तो उसको पता होता है कि बच्चे की कहाँ कमियाँ निकल सकती हैं, उस हिसाब से जो है हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं। और मेन चीज क्या है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बोर्ड में जो है तैयारियां करवाई जाती है। यानी कि बच्चे अगर घर हैं तो फिर वो ऑनलाइन, हमारी अगर आप प्ले स्टोर से करियर बूस्टर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप घर बैठे हमारा कोर्स जो है वो लेकर पढ़ाई कर सकते हैं पूरे एक साल तक जी। वो भी बिल्कुल नॉमिनल फीस में, 1000 रुपए में जो गैस का सिलेंडर हो रखा है आपने सुना होगा, इतना ही होगा वो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उतने रुपए में ही आप एक साल तक पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं उसके अंदर घर बैठकर। अच्छा, मैंने जिक्र सुना है सर आपके एकेडमी के कमांडो बैच का, मैंने सुना है कि भाई आप गारंटी दे रहे हैं कि जिसने एडमिशन ले लिया वो कमांडो बनके ही जाएगा, ऐसा है क्या सच में? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा हमारा जो वेल एक्सपीरियंस है वो हमारी टीचर टीम का है, क्योंकि हमारे पास एक ओल्ड टीम ऐसी है जो लगभग हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक्सपीरियंसड है और हमने इसी रिजल्ट को देखते हुए कमांडो का स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया है जो एक टारगेटेड बैच होगा जो लगभग 1 महीने का होगा, जिसमें लगातार हमारी सारी की सारी टीम मेहनत करेगी और 10 से 12 घंटे उसको पढ़ाएगी और उसके सिलेक्शन की तरफ हम ध्यान देंगे और वो 1 महीने का बैच होगा जो कमांडो के टेस्ट से पहले हमारा कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसा क्या घोल के पिलाएंगे उनको कि भाई आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हर कोई कमांडो बनेगा ही बनेगा? तो जैसे हमारे महानुभवी टीचर मनोज पचार ने बताया है, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं वो सारे टीचर एक एक्सपीरियंसड हैं, खुद गवर्नमेंट जॉब को लेफ्ट किए हुए हैं, तो उनको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आगामी एग्जाम उनके बारे में पता होता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है। तो हम हमारे इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं सारा का सारा, यानी जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारा का सारा डाटा हमारे पास मिलता है। और सबसे बड़ी बात है जैसे हमारे जीडी सर हैं जो एकमात्र हरियाणा जीके के ऊपर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है, तो वो लगभग जहाँ से पढ़ा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से आ भी रहे हैं और उनकी जो बुक है जो आज पूरे टाइम में यानी हरियाणा के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर पॉपुलर है टाइम लाइन ऑफ हरियाणा वो बुक है और उनका सेकेंड एडिशन भी आया है और वो बेटर हो सकता है कमांडो के एग्जाम के लिए। चलिए, मीठी मीठी बातें बहुत हो गई, मुझे खट्टा पसंद है। तो टेढ़ा सवाल कि अगर कोई नालायक फिर भी मेरे जैसा आ जाता है कमांडो बैच के अंदर, उसका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो जितने भी टीचर हैं यहाँ पे, एक टीचर एग्जैक्ट एक टीचर की डेफिनेशन वही है, वो उसको सिर्फ किताबी नॉलेज ना देके उसको पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में बताए। तो आपने बोल दिया, आप जैसे जितने स्टूडेंट आते हैं हम उनको पहले लाइफ का क्राइटेरिया समझाते हैं, हम उनको ये समझाते हैं बेटा तेरा टारगेट क्या है, तुझे कहाँ तक जाना है, तो ये सारी बातें बता के हम उसको मोटिवेट करते हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश। और बाय द वे, अगर वो स्टूडेंट एक आध एग्जाम में रह भी जाता है तो हमारे यहाँ से एडमिशन आउट होने के बाद, बैच कंप्लीट होने के बाद, हम फ्यूचर तक उस स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं और उसको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं आने वाले एग्जाम के बारे में जितने बैचेस। ये बात तो जो अभी आपके बैच में शायद आप अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आ गया हो, आ गया हो, आ गया हो।
तो इन बच्चों से पूछ भी लेते हैं, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी मुझे बताओ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं एचएसएससी की तैयारी कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मतलब पटवारी आप लग के जाने वाले हैं? जी, ग्राम सचिव पटवारी की तैयारी। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर स्टाफ की बात करें, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, क्या आपके लेवल की स्टडीज हैं या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे लेवल तक की चल रही है, बल्कि इवन अब हमारा एग्जाम अगर दिसंबर में आने वाला है और हम ये कह रहे थे कि हमारा सिलेबस नहीं होने वाला, तो इन्होंने एक लेक्चर और आगे बढ़ा के मतलब हमें हर टाइम मतलब फोर्स किया है कि तुम पढ़ो, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अच्छा क्या लग रहा है भाई, कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा या फिर अभी थोड़ा सा डाउट है? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और ये लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी आती नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस की कमी आती नहीं है। तो भाई ये थे एकेडमी के बच्चे और उनके रिव्यूज इस एकेडमी को लेकर के, भाई क्या कहना है? अच्छा ये टोपी मास्टर तो रह गए थे, आप बताओ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं एचएसएससी की। एचएसएससी की? हां जी। तो भाई कैसा लगा इस एकेडमी का माहौल, बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें अलग क्या है? यहाँ पर जो टीचर आते ना, पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताते हैं, भाई हमने अपने टाइम पर किस तरह तैयारी करी। अच्छा। या क्या मतलब उस टाइम हमारी दिक्कतें आई और आपको क्या दिक्कत आ सकती है, इस प्रकार की सब बताते हैं। और यहाँ पर टाइमिंग बहुत अच्छी है सबसे ज्यादा। अच्छा। और टाइम टेबल के हिसाब से सारी क्लासें लगती हैं और टीचर्स का एक्सपीरियंस देखा जाए तो 10 साल 12 साल इससे ऊपर भी है। और जैसे मनोज सर, अच्छा ये तो चलो सारे बच्चों ने मेरे को बताई दी, टीचर बहुत अच्छे, एकेडमी बहुत अच्छी है, मोटिवेशन बहुत अच्छा है, आपसे थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा दिखी है, कोई एक आधी नेगेटिविटी बात आप तो बता दो, कुछ तो नेगेटिव बताओ। नेगेटिव देखा जाए तो वैसे कुछ नहीं है, पर यहाँ पर जैसे गाँव से बच्चे आते हैं और जो शहरों के बच्चे, एक हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। और टीचरों से भी देखा जाए ना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दिक्कत टीचरों को भी आ जाती है, क्योंकि टीचरों को अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम तो जो दोनों फैसिलिटी पढ़ाई जाती है वैसे तो यहाँ, परंतु अगर एक बच्चा ना सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बैठना, एक दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है हमें यहाँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, अभी टाइम टेबल में थोड़ा कम करा जाए या एक्स्ट्रा कोई गैप दिया जाए बीच में, तो ये सोच रहे स्मार्ट है, मतलब नेगेटिव में भी पॉजिटिव गिनवा गया। खैर ये भाई कैरियर बूस्टर के स्टूडेंट्स थे जो आज मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सिलेक्शन को और आने वाले समय में, क्योंकि ये जो बच्चे जो सिलेक्ट हुए ना, जो लड़कियाँ सिलेक्ट हुई हैं उनको देख करके कॉन्फिडेंस बाकियों को भी आता है। वैसे ये कैरियर बूस्टर अकेडमी है हिसार शहर की, एड्रेस और इसका नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर चल भी रहा है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।